ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अचानक की पार्ट में ही कहे तो हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसे अभी गीत में भी सुन रहे थे कि जन्नत से भी बड़ा ये परिवार है, तो ये परिवार और इस परिवार के साथ हमारी विद्या दीदी का प्यार हमें यहाँ खींच कर ले आया। बहुत खुशी हो रही है आप सभी चैतन्य देवताओं का दर्शन करते हुए। भक्ति में तो मंदिरों में जाकर जड़ मूर्तियों का दर्शन करते थे, और अभी एक एक सेवा स्थान, एक एक मंदिर और उस मंदिर में आने वाले एक एक बाबा के बच्चे चैतन्य देवताएं। तो आप सभी चैतन्य देवताओं का दर्शन करने के लिए गुजरात से यहाँ पहुँच गए। तो विशेष आज के समय के अनुसार हम देखते हैं कि चारों तरफ बाहर में देखो तो कोई ना कोई प्रकार की आग लगी हुई है। जातिवाद, धर्मवाद कितनी सारी है, प्रकृति की हलचल देखो कितनी चारों तरफ है। राजकीय क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो वहाँ भी हलचल है, धर्म क्षेत्र के अंदर भी हलचल है। तो ये चारों तरफ की हलचल को देखते हुए जो बाबा हमें कहते हैं कि अब समय की रफ्तार अनुसार हमारा पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग क्या होता है? तीव्र परिवर्तन। पहले समय था जो हम लास्ट शिवरात्रि की मुरली सुनी, आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी, उसी में ही अपना समय देते आए। लेकिन अभी इन सब बातों को छोड़ते हुए चेक किया, चेंज किया, तुरंत ही उसको परिवर्तन करना। और जब ऐसे परिवर्तन की विधि को हम अपनाएंगे तब ही समय पर तैयार हो सकेंगे। आज पापा ने कहा चुप रहो, चुप रहो माना, चुप रहो माना मुख का मौन नहीं। मुख का मौन तो धारण कर लेते हैं लेकिन मन बहुत चलता है, तो मन का भी मौन, मन को बाबा की तरफ लगाना। जो बाबा ने कहा ना, एक बाप को याद करना,